हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल थेरेपी। मैं आपका होस्ट हूं दोस्त निशांत। आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम हैदराबाद जा रहे हैं। फाइनली हैदराबाद के एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं एंड अब मैं अपने दोस्त को मिलूंगा, अभिषेक। वो हैदराबाद का लोकलाइट है, ऐसे तो बॉम्बे में रहता था बट अभी हैदराबाद में शिफ्ट हो गया, लक है मेरा। तो ये वीडियो अपनी दोस्ती के नाम, और आपकी अगर दोस्ती है कोई या जो लोग बाहर है तो आप भी उनको जाके मिलिएगा। इससे क्या होगा, आपका बजटेड ट्रिप हो जाएगा और शहर भी खोल लोगे आप। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए। अब बोलते हैं इसकी बहुत ही खास कहानी है। ये मोहम्मद अलकुतुबुद्दीन ने बनाया था, जहाँ पे बोलते हैं हैदराबाद में महामारी फैली थी। तो महामारी जाने के लिए आए तो मोहम्मद अलकुतुबुद्दीन शाह ने इसको बनाया था। इसको बनाते महामारी चली गई। आज हम भी ये विश करते हैं कि ये एक और महामारी भगा दे दुनिया से, जो एक हो। अब बोलते हैं ये सिटी सेंटर में, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने के लिए और खरीदने के लिए, मोस्टली लेडीज आइटम, बैंगल, गर्ल्स बहुत अच्छे आए। आपको कुछ और बताता हूँ। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो मेका मॉस्क है, ये हैदराबाद की वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है। इसके वजह से, क्योंकि इसके स्टोन्स मेका से आए हैं, जो इतने डिवाइन सिटी से आए हैं, खुद इतने डिवाइन सिटी से आए हैं, तो ये मेका की अहमियत बहुत है। वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट मॉस्क है एंड यहाँ पे सारी मन्नत पूरी होती है। मैंने फ्राइडे को आके यहाँ पे, तो कोविड चला गया देश से, वो मांगा एंड कोविड के कारण विजिटर्स यहाँ नहीं आ सकते। तो आप अगर प्लान कर रहे हो तो जैसे मैं देख रहा हूँ, आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट मैं भी प्लान कर रहा हूँ, तो आप दूर से देख सकते हो। तो मक्का मस्जिद और चार मीनार घूमने के बाद अब तो बहुत भूख लगी है, आज के टूरिस्ट प्लेसेस खत्म होते हैं एंड हैदराबाद में आए हो। हैदराबाद की सबसे फेमस चीज़ नहीं खाई बिरयानी तो क्या खाई। तो हैदराबाद में 3 दिन हूँ और तीनों दिन हैदराबाद की स्पेशलिटी हलीम और बिरयानी खाऊंगा। एंड यहाँ पे मैंने बोला ये ट्रिप दोस्ती के नाम है, तो यहाँ पे मेरा सबसे अजीज दोस्त और सबसे प्यारा दोस्त है, वो हैदराबाद का लोकलाइट है, तो बताएगा कि क्या क्या जगह है देखने के लिए। देख ही सकते हो कि गोलकुंडा फोर्ट है, ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मॉन्यूमेंट्स है एंड हैदराबाद इससे भी जाना जाता है। यहाँ के एक फैक्ट ये है कि इसके अंदर एक डायमंड मार्केट हुआ करता था और यहीं पे कोहिनूर का हीरा पाया गया था। ये ओन था निज़ाम्स के, हैदराबाद के निज़ाम से। एंड आप आगे चलते रहिए और गोलकुंडा के फैक्ट्स और हैदराबाद के फैक्ट्स बताता रहूँगा आपको। यहाँ की ये खासियत है कि आप जो देख रहे हो झूमर, वहाँ पे अगर आप क्लैप करोगे तो एक क्लैप दरबार तक जाता था। यहाँ पे दरबार को अगर कुछ इशारा देना पड़ता था राजा को या निज़ाम्स को, तो यहीं से वो इशारा देते थे। आप देखिए दरबार। प्लीज एक्सरसाइज करके आइएगा, नहीं तो जो सांस फूल रही है ना आपकी भी फूलेगी। इसके लिए पुराने जमाने के लोग बहुत फिट हुआ करते थे। तो ऊपर चढ़ने के बाद और 3 किलोमीटर चढ़ने के बाद कुछ फैक्ट्स पता चले मेरे को इस गजब के शहर के। इसको हयात अमियानी करके क्वीन थी, जो निज़ाम की एक क्वीन थी, वो बहुत ब्यूटीफुल थी, तो उसके नाम पे ये हैदराबाद पड़ा। हैदराबाद का पहला नाम था भाग्यनगर, यहाँ पे निज़ामों का राज था और ये निज़ाम का एक किला था।
इसके ब्यूटीफुल शॉट्स तो आपने देखे। जो दुनिया की सबसे लंबी वॉल है, ये दुनिया की सबसे थर्ड लंबी वॉल है। इसका आउटर वॉल जो है ना वो 11 किलोमीटर का है, बट राजस्थान में मेवाड़ फोर्ट 36 किलोमीटर का है, सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल। तो एक फन फैक्ट था यहाँ गोलकुंडा को बताने के लिए। कितना स्ट्रॉन्ग है आज की, अगर कोई गोली भी मार देना तो गोली आप पड़ नहीं होगी। ये रॉयल्टी की निजाम से यहाँ हम बगी महल में, जहाँ विंटेज का रखा निजाम्स का। आप देख रहे हो ये रोल्स रॉयस पहली थी उनके पास, इसके एक्सट्रा से एंड ये सारी बहुत सारी गाड़ियाँ रोल्स रॉयस से रिलेटेड मर्सिडीज तक है। आपको दिखाता हूँ रोल्स मेरे पीछे देख रहे हो वो बिरला टेम्पल। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अंदर नहीं जा पाते क्योंकि कैमराज अलाउड नहीं है। अगर आप हैदराबाद आइएगा तो ज़रूर बिरला टेम्पल विजिट कीजिएगा। ये विष्णु जी का टेम्पल है और इसकी खासियत ये पूरा वाइट मार्बल से बना है। ये ध्यान रखिएगा, मास्क लाइएगा, कोविड से बचिएगा और कैमरा नहीं लाइएगा। हैदराबाद में एक और चीज़ बहुत फेमस है, बहुत सारी ईरानी कैफे है। मैं वन ऑफ द बेस्ट ईरानी कैफेज में आया हूँ जो इन कैफे निलोफर है। तो आपको जैसे मतलब हैदराबाद आए हूँ मैं, से इन्होंने भी मेरा इंस्टाग्राम देख के मुझे कॉन्टैक्ट किया और इन्होंने बोला तुझे मिले पहले में सब्सक्राइबर्स एंड इन्होंने बोला यहाँ पर बहुत अच्छा कैफे है, तो यहाँ कैफे निलोफर आए हैं। चाय तो एक नंबर है एंड इसकी एक अच्छी कॉज भी है कि निलोफर हॉस्पिटल है, यहाँ पे पेशेंट्स के फैमिली को फ्री खाना मिलता है। ये बात मेरे दिल को छू गई। मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बड़ा थैंक यू कि मुझे ये कैफे निलोफर बताया इन्होंने। थैंक यू आप दोनों का। क्या
हैदराबाद की बहुत फेमस बेकरी है एंड थैंक्स टू माई सब्सक्राइबर्स जो मुझे यहाँ लेके आए। यहाँ की फेमस चीज़ है ये रोट, ये इतनी फेमस है कि लोग है ना सऊदी दुबई से ऑर्डर करते हैं, किलो किलो के भाव में जाती है। ट्रैवल करने के बाद बहुत भूख लगी एंड फाइनली मेरे दोस्त अभिषेक ने लंच गिफ्ट करके डिनर खिला रहा हुआ हमको एंड हम आए हैदराबाद की फेमस वो बिरयानी खाने, हम आए शागोस नाम के रेस्टोरेंट में। इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर हमने मटन बिरयानी ऑर्डर की है, वेजिटेरियन सॉरी, आप जो मटन बिरयानी वेट कर रहे हम लोग आएगी तब आपको बताता हूँ। हैदराबादी का बिरयानी हाइप है कि ओरिजिनली हैदराबादी अच्छी बिरयानी है। हमारी मटन बिरयानी आ गई है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि हैदराबादी बिरयानी जितनी हाइप है उतनी अच्छी है कि ऐसे लोग बोलते हैं। देखिए इसमें है ना बहुत सारी स्पाइसी चीज़ दी है और लिटरली हैदराबादी बिरयानी बहुत अच्छी है। आप हैदराबाद आओ तो बिरयानी आपके लिए स्पेशल, जितने दिन हैदराबाद हो वो होनी ही चाहिए। हैदराबाद का वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप हैदराबाद जाओ तो ठंड में जाना क्योंकि गर्मी बहुत होती है एंड स्पेशल थैंक यू टू अभिषेक, विदाउट यू हैदराबाद पॉसिबल ही नहीं होता। हैदराबाद भी ऐसा लगा कि मैंने मुंबई छोड़ा ही नहीं है, इट फेल्ट लाइक फैमिली एंड हैदराबाद में बहुत सारे नए दोस्त बनाए हमेशा के लिए। स्पेशल थैंक्स टू सौरभ, अनीशा, कोमल, रवि भाई एंड अदर पीपल आई एम मिसिंग, सॉरी बहुत सारे नाम है। हैदराबाद का पार्ट टू भी आ रहा है, पार्ट टू ओनली विल बी रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी वॉज ह्यूज तो मेरे को एक पूरा ये वीडियो महाभारत नहीं बनाना था एंड ये वीडियो दोस्ती के नाम था। तो एक शायर सुनाता हूँ आपको, तो इश्क करता गया मैं प्यार करता गया, तो इश्क करता गया मैं प्यार करता गया, तेरा नाम होता गया मैं बदनाम होता गया। दोस्तों मैं आपको पार्ट टू बताऊंगा, तब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब मज़ेदार चटपटी चीज़ों के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए कि ये वीडियो बनता रहे। तब तक मैं आपका होस्ट दोस्त निशान साइनिंग ऑफ, बाय।